जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस के जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी की डिटेल लेकर आए हैं, जो कि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड HMRTC के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये पंचकुला से जारी की गई है। तो दोस्तों, इसमें आपको वेरियस पोस्टों के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं, जो कि आपको ऑफलाइन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको PN की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसीज दी गई है, और इसके अलावा आपको और भी कई वेरियस पोस्टें दी गई हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस फॉर्म को जो अप्लाई करने का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस C3 HSVP कॉम्प्लेक्स सेक्टर 6 पंचकुला 13-41-09 पर आपने इसे सेंड करना है। तो दोस्तों, इसका फॉर्म भी इसकी नोटिफिकेशन में दिया गया है, जहाँ से आप इसके फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज की। तो ये जो इसकी नोटिफिकेशन है, ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है www.hmrtc.org.in पर जाकर आप वहाँ से इस जो ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी सारी वैकेंसी दी गई हैं, जैसे इसमें आपको ट्रांसपोर्ट प्लानर की आपको टोटल 1 पोस्ट दी गई है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें आपको दिया गया है कि क्या क्या चाहिए, या फिर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या दी गई है वो भी दी गई है, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवाइज़र की 1 पोस्ट दी गई है, और इसके बाद आपके इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की भी इसमें 1 पोस्ट जारी की गई है। इसके बाद फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की 1 पोस्ट जारी की गई है। TOD एंड TDR एक्सपर्ट कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट की भी 1 पोस्ट दी गई है। इसके बाद मल्टी मॉडल एक्सपर्ट कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट की 1 पोस्ट दी गई है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसल्टेंट कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट की भी इसमें आपको 1 पोस्ट दी गई है। इसके बाद आपकी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल की 1 पोस्ट दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 1 दी गई है। इसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक की भी 1 पोस्ट दी गई है। डिप्टी जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट दी गई है। इसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में 1 पोस्ट दी गई है, और असिस्टेंट मैनेजर सिविल की भी 1 पोस्ट दी गई है। इसके बाद आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भी 1 पोस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें ऑफिस असिस्टेंट की भी 1 पोस्ट दी गई है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग की होनी चाहिए, मैक्सिमम एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 42 साल तक दी गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनो टाइपिस्ट की, इसमें आपको 5 पोस्टें दी गई हैं, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, और इसमें आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन की 15 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन की 15 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आपको जो है फंक्शनल नॉलेज ऑफ कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की भी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग की, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग की होनी चाहिए, और आपको हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 42 ईयर्स दी गई है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो PN की है, जिसमें आपको टोटल 5 पोस्टें दी गई हैं। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 8th पास होनी चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपको 3 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 42 ईयर्स दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपने इसका फॉर्म 4 अप्रैल से पहले सेंड करना है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इसके एप्लीकेशन परफॉर्मे की। तो इसमें यहाँ पर आपको इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा भी दिया गया है, जिसमें आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने लिखना है। यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगानी है, जो कि आपने सेल्फ अटेस्टेड करनी है। तो दोस्तों, इसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका प्रूफ भी लगेगा,
उसके बाद आपकी एज 1/4/2022 को कितनी है, कितने साल कितने महीने और कितने दिन बनती है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपकी जेंडर, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसके बाद आपका आधार नंबर और उसकी आपको कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, इसमें आपकी 10th प्लस 2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो आपकी पोस्ट के अनुसार रहेगी और इसमें आपने परसेंटेज लिखनी है और कहाँ से आपने ये की है तो वो भी आप यहाँ पर लिखोगे। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको एक्सपीरियंस का कॉलम दिया गया है जो कि आपने इस कॉलम में भरना है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट इसमें एनी अदर रिलेवेंट डिटेल, इसमें आपका जो है यहाँ पर आपने डेट प्लेस यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं, वेरिफिकेशन में यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। तो दोस्तों इसके साथ ही डेट प्लेस और सिग्नेचर करने हैं और इसके बाद ये आपका फॉर्म है। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो है मार्क्स का बताया गया कि कैसे आपकी कट ऑफ तैयार होगी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी, अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।